थे? जीते? और पुत्र ये तूने क्या किया? तुझे पता ना उसके पास कोर्ट के ऑर्डर है? बाहर ने क्या कोर्ट का ऑर्डर मामा? बहुत हो गया चेरी का। मामा, हम कब तक चेरी की मर्जी के आगे अपना सर झुकाते रहे? जब हम में से कोई नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, तो वो इस घर में कैसे रह सकती है? देख जीते, इस वक्त जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना बेवकूफी है और नुकसान हमारा ही होना है। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जीत। अगर गुस्से में आकर चेरी ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो जो कुछ भी करेगी मेरे साथ करेगी और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे होते हुए इस घर में मेरे भाई की हत्यारे नहीं रह सकती। पापा मामा आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वाहेगुरु पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। रात बहुत हो गई है, आप लोग जाके सो जाइए। जा पुत्र, तू भी आराम कर। क्या लगता है जी, तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो क्या अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल दिया? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बस कल तक का इंतजार करो और फिर तुम देखना मैं इस घर में ही नहीं बल्कि इस घर में जो मेरा कमरा है उसमें रहूंगी, वो भी तुम्हारे साथ। और ये मेरा वादा ही नहीं, मेरा चैलेंज है तुम्हें। मैं हमारी कामना की तुम जैसे लड़के से शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और ये बात समझ लो तुम, समझे? इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप मुझे डांटे, जो कहना है कह दीजिए, लेकिन इस तरह मुझसे बात करना मत बंद करिए। मैं आपसे बात किए बगैर नहीं रह पाती, कुछ भी कहिए पर मुझसे बात करिए प्लीज। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं माई, कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुमसे बात करूं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अंगद के बारे में शिकायतें बंद करो, लेकिन तुम समझते ही नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि काम्या को कितना बुरा लगा है? नहीं माई, नहीं, मुझे एक अच्छे इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना, वो एक अच्छा इंसान है। तुमने एक बार भी काम्या के बारे में नहीं सोचा, इतने सालों के बाद वो खुश थी, मैंने अपनी बहन को खुश देखा था। शांता, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं कि क्या हालात है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ काम्या की आंखों में आंसू दिख रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि मेरी बीवी ही बहन की खुशियों में रुकावट ला रही है।
सब कुछ वैसे ही सेट किया ना परमी, जैसे मैंने तुम्हें कहा था। हाँ, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, तुम वाकई ये करना चाहती हो? मेरा मतलब है कि इसमें खतरा बहुत है। खतरों से कौन डरता है परमी, कम से कम मैं नहीं। और क्या तुम ये बात नहीं जानती? अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारी यही अदा तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन आज खतरा बहुत है। नहीं, अगर तुम अपना काम ठीक से करो तो कोई रिस्क नहीं है, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। गुड, अब मुझे गार्डन वाली शेड की चाबी दो। ज्योति, किसका फोन था? मैं रॉन्ग नंबर था। क्या हो गया आपको आजकल, छोटी छोटी बातें परेशान हो जाते हो? क्या करूं ज्योति पुत्र, जब से जीत ने चंडाल चेरी को इस घर से निकाला है ना, तब से मेरे दिल में ना एक डर सा बैठ गया। पता नहीं क्या होगा इस घर का। और मैं क्या जी, चेरी पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। रब जाने अब इस घर पर वो कौन सा नया कैद डालने वाली है। एमी, अपना कलेजा ना जला दुर्गा। जीते ने उस बलाव को अपने घर से निकाल के बिल्कुल ठीक किया है। तो हमारी बर्दाश्त की कोई हद है या नहीं, या जिंदगी भर चेरी की धमकियों के साए में जीते रहेंगे? चेरी को तो गलत फहमी हो गई थी कि उसकी गीदड़ भपकियों से हम हमेशा डरते रहेंगे और वो अपनी मनमानी करती रही। लेकिन जैसे जीते ने उसे घर से निकाला ना, उसके पांव के तले की जमीन खिसक गई होगी। पता है, अब वो कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल चुप बैठेगी। मेरी गर्ल मन, ये लो। रुको, अब इन लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में कितने गलत थे ये लोग। वैसे इनकी गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो जाएगी, राइट? चलो अपना काम शुरू करते हैं। ये लो। All the best. सोनी पुत्र, पुत्र तू फिर आज दूध पीना भूल गई ना? पुत्र अपना ख्याल रखा कर, तू अपना ख्याल खुद नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? हाँ मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। चल बस बस, दूध पी ले। बचाओ, कोई है? कोई प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ मुझे प्लीज, बचाओ, कोई है? बचाओ, देखो तेरा आग लगी है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। हाय रब्बा, ओ मैं क्या जी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ प्लीज, बचाओ, कोई है? बचाओ, देखो तेरा आग लगी है, प्लीज कोई मुझे बचाओ।
बचाओ मुझे, कोई बचाओ प्लीज। चेरी आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप में से फोन किसने किया था? मैंने किया था साहब, मैं पास वाले घर में काम करती हूँ और आज जब मैं काम करके पीछे के दरवाजे से बाहर निकली तो मैंने देखा ये मैडम को खींच के ले जा रहे थे। मुझे लगा ये सास बहू का झगड़ा है दहेज को लेकर, और सास अपनी बहू को दहेज के लिए सता रही है। क्या आप उन लोगों को पहचानती हैं जिन्होंने ऐसा किया? हाँ साहब, यही दोनों है वो लोग। और साहब ये दोनों मैडम को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। ये मैडम बेचारी बहुत चिल्ला रही थी पर ये लोग नहीं माने, खूब मारा भी और गालियां भी बहुत दी, और साहब शेड में ले जाके बंद करके आग भी लगा दी। सत्यानाश हो जाए तेरा, तू क्यों झूठ बोल रही है? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, सुबह से तो हम घर से बाहर ही नहीं निकले, ये चीखें सुनाई दी तो भाग के बाहर आए हैं। अब किसे पूछ लीजिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। पापा सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बेकसूर है। ये एकदम बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब। इनका कोई कसूर नहीं, ये लोग बेकसूर हैं। बस बस, वैसे भी तुम सबकी गवाही मानेगा कौन, क्योंकि तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो ना। दहेज के लालच में बहू को जला रहे थे और अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, ये झूठे इल्जाम है हम पर, हम तो क्या बताएं आपको। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर और मिसेस खुराना, आप दोनों को दहेज की खातिर अपनी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये औरत झूठ बोल रही है। आप किसी के कहने में आकर बिना कोई जांच पड़ताल किए बिना आप सच और झूठ का फैसला कैसे कर सकते? आप मेरे मम्मा पापा को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, मैं आपको बता दूं, ये औरत और ये चेरी मिली हुई है। मैं आपसे कहता हूं, ये औरत और चेरी मेरे मम्मा पापा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बहुत सीधे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, ये लोग बेकसूर हैं। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बेकसूर है, ये तो घर पर ही थे, कहीं गए ही नहीं। आप यकीन क्यों नहीं करते, ये औरत। इंस्पेक्टर, आप जो कुछ भी कर वो गलत कर रहे हैं। देखिए, आप पुलिस को मत सिखाइए कि उसकी ड्यूटी क्या है, आप हमें अपना काम करने दीजिए वरना मजबूरन हमें आप सभी को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा। इंस्पेक्टर, ओके, आई एम सॉरी, कम से कम मेरे मम्मा पापा की उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे बिना कोई सबूत के आप इन दोनों को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस औरत की बयान पर? देखिए इंस्पेक्टर, आपको इस औरत की बातों पर विश्वास है लेकिन हम जो कह रहे हैं कि मम्मा पापा हमारे साथ थे, इस बात पर आपको यकीन ही नहीं है। आप लोग तो ऐसा ही कहेंगे,
क्योंकि ये आपके माता पिता हैं। लेकिन हमारे पास जो चश्मदीद गवाह है वो ये बता चुका है कि ये आग किसने लगाई। गवाह खरीदी भी जा सकती है इंस्पेक्टर, और मुझे पूरा यकीन है ये गवाह भी चेरी के हाथों बिक चुकी है। ये चेरी की चाल है इंस्पेक्टर, और ये हमें परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। मिस्टर जीत खुराना, आप शायद जानते नहीं कि अगर आग बुझाने में 2 मिनट की भी देरी हो गई होती ना तो ये मैडम जलकर राख हो गई होती। और आप चाहते हैं कि हम आपकी बातों में आकर यह विश्वास कर लें कि इन्होंने वो आग खुद अपने आप को लगा ली। नहीं नहीं, आप लोगों ने इन्हें इतना तंग किया कि इन्होंने आप लोगों से बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है ना। वो सब मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसकी साजिश का नतीजा है। इंस्पेक्टर साहब, ये अगर अपनी जी पर आए ना तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ भी कर सकती है, तो क्या इन्होंने शेड में अपने आप को बंद करके बाहर से ताला भी लगा लिया? हम इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं जानते ये कैसे हुआ। हम तो खुद बाहर आके हैरान रह गए कि ये ताला कैसे बाहर लगा और ये अंदर कैसे है। आपके सामने शेड का ताला तोड़कर इन्हें बाहर निकाला गया है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ताला किसी और ने बाहर से लगाया था, और ये ताला जिसने लगाया है ये आग भी उसी ने लगाई है। रब ही जानता है कि किसने आग लगाई है, पर हमने आग नहीं लगाई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने ये बता दिया है कि ये आग किसने लगाई है, और आपके माता पिता को गिरफ्तार करने के लिए इतना ही काफी है। ले चलो इन्हें, ले चलो इंस्पेक्टर। बस इनफ, अब कोई बहस नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई में कोई कमी रह गई है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, जाइए अदालत में।